बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग के बारे में। पंडित जी से जानते हैं कि क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर। जी पंडित जी, बिल्कुल, INS 24/7 के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और जो भी दर्शक मुझे जिन प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 26 अप्रैल 2022 का दिन है, दिन मंगलवार है। आज वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है जिसको हम बरूथनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। आज का विषय भी हमारा यही होगा। आज विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक संवत 1944 है। आज का राहु काल कुछ इस प्रकार से रहेगा, राहु काल दोपहर में 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में रहेगा। ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार से बन रहे हैं। आज सूर्य इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, वहीं चंद्रमा आज कुंभ राशि में है। मंगल ग्रह का गोचर भी इस समय कुंभ राशि में है। बुध ग्रह वृषभ राशि में कल प्रवेश कर चुका है, बहुत ही सुंदर स्थिति ग्रह की बनी हुई है। वहीं गुरु ग्रह अपनी स्वयं की राशि यानी मीन राशि में गोचररत है। शुक्र ग्रह इस समय मीन राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन अभी कुंभ में ही गोचररत है। शनि मकर राशि में है, राहु मेष राशि में है और केतु इस समय तुला राशि में गोचररत है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और आज का पंचांग। जी, और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार इस कार्यक्रम के दौरान हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे, जिस पर आप फोन कर सकते हैं और आचार्य जी से जुड़कर अपना अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान आप पंडित जी से पा सकते हैं। बढ़ते हैं विषय की ओर। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वरूथनी एकादशी पर, कि किस तरह से वरूथनी एकादशी मनाई जा रही है, इसका क्या महत्व है, क्या कथा है और क्या पूजन विधि है। सबसे पहले हम बात करेंगे वरूथनी एकादशी के महत्व पर। जी पंडित जी, बिल्कुल, देखिए एकादशी का जो व्रत है वो बड़ा सुंदर सा व्रत माना जाता है। एकादशी को इस तरह से आप समझिए, आम जनता को समझाने की हम लोग कोशिश करें। एकादशी का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो है 24 एकादशी मानी जाती हैं। जो हिंदू महीना होता है उसमें एक एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है और एक एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है, तो इस प्रकार कुल मिलाकर 24 एकादशी। एकादशी का मतलब होता है 11वां दिन, अर्थात हिंदू महीने के जो पक्ष है, माने दो पक्ष माने जाते हैं, कृष्ण पक्ष एक शुक्ल पक्ष है, तो कृष्ण पक्ष का 11वां दिन या शुक्ल पक्ष का 11वां दिन एकादशी के व्रत के रूप में माना जाता है। एकादशी के व्रत से कुछ प्रमुख स्थितियां प्रारंभ होती हैं। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपने जितने भी आपके हाथों से जितने भी गलत कार्य हुए हैं उसको हम हमारी भाषा में कहते हैं कि गलत कार्यों को या पाप कर्मों को समाप्त करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एकादशी की होती है। एकादशी के बाद द्वादशी आती है और द्वादशी और त्रयोदशी के बीच का भी एक व्रत होता है जिसे प्रदोष का व्रत कहा जाता है। प्रदोष का तात्पर्य होता है कि आप अपने पुराने जन्मों के जितने भी दोष हैं उनको यदि आप समाप्त करना चाहते हैं तो आप प्रदोष का व्रत करिए। इसके बाद शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा का व्रत आता है, बहुत ही सुंदर व्रत होता है, और इसी महीने के आखिर में शनिश्चरी अमावस्या पड़ रही यानी शनिवार के दिन अमावस्या का पड़ना अपने आप में बहुत बड़ा दिन होता है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है वो बरूथनी एकादशी के बारे में है। तो जैसा मैंने आपको बताया अपने इंट्रोडक्शन में कि बरूथनी एकादशी अपने आप में बहुत बड़ी एकादशी होती है। इस एकादशी को यदि आप रखते हैं तो आप मान के चलिए कि आपके पिछले 1000 जन्मों के यदि कोई भी पाप कर्म है तो वो आपके पाप कर्म समाप्त होंगे, और 10,000 वर्षों तक यदि आप तपस्या भी करते हैं तब भी जो फल प्राप्त नहीं होता वो इस एकादशी के व्रत करने से आपको फल प्राप्त होता है। अब इस एकादशी का व्रत आखिर किया कैसे जाता है,
इस एकादशी का व्रत करने के लिए आपको दशमी यानी कल से ही आपको पारण करना चाहिए। जिन्होंने अभी तक नहीं किया कोई बात नहीं, आप इसी समय से व्रत का पारण करिए, क्योंकि यह एकादशी जो है वो कल सुबह 27 तारीख को प्रातः 9 बजे तक चलेगी। तो आपके आज से किए गए इस पारण से ये व्रत आपका पूरी तरह से मजबूत होगा। अच्छा, इस एकादशी को करने के लिए आपको कुछ नियमों में बद्ध होना बेहद आवश्यक है। नियम क्या हैं, किस प्रकार से हैं? नियम इस प्रकार से हैं कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी भी प्रकार से असत्य भाषण आप ना करें, कोई भी झूठ आप ना बोलें। इसके अलावा आपको धरती पर सोना है, महिलाओं के प्रति आप यदि पुरुष हैं तो महिलाओं के प्रति और महिला हैं तो पुरुषों के प्रति आपको किसी भी प्रकार से काम वासना का मन में नहीं लाना है, उनके प्रति आपको गलत भाव नहीं लेकर आना है। भगवान कृष्ण भगवान विष्णु की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है। इस एकादशी को कई प्रकार से कर सकते हैं। यदि आप शुगर या मधुमेह या आप हार्ट के पेशेंट हैं तो आप एक समय यानी शाम के समय भोजन कर सकते हैं। यदि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप पूरी तरह से इस व्रत को करें, थोड़ा सा जल लेते रहें और शाम को फल का आहार करें। फल का आहार का मतलब होता है केवल फल, फल यानी फ्रूट को ही खाना है। फल के आहार में आप साबूदाने की खिचड़ी या विभिन्न प्रकार के जो व्यंजन हैं उसको नहीं खाइएगा, ये नहीं खाए जाते हैं। व्रत के उपासना में फल का आहार इसलिए किया जाता है कि आगे आपके शरीर से जितने भी टॉक्सिक्स हैं अर्थात जहरीले तत्व हैं वो शरीर से बाहर निकल सके और आपका शरीर एक बार पुनः त्रिदोषों से अर्थात कफ पित्त इत्यादि से आप मुक्त हो सके और आप अपने जीवन में स्वस्थ महसूस कर सके। और इस पूरे दिन भर आपको भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी है। इस व्रत का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। देखिए, जो भी मनुष्य बरूथनी एकादशी के व्रत को करता है उसको ना केवल इस लोक यानी इस संसार में अपितु इस परलोक यानी जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तब आपको ना केवल मोक्ष प्राप्त होगा अपितु उस परलोक में ईश्वर अपने स्वयं के धाम यानी गोलोक धाम में आपको अपना स्थान देगी। पंडित जी, इससे और क्या लाभ होते इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से, मीनू। मीनू जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। सबसे पहले जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। जी जी सर, मैं अपने ब्रदर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी हाँ जी, उनका है 5 नवम्बर 1973। 5 नवम्बर 1973। जी हाँ जी, रात के 2 बजे चंडीगढ़ में। रात के 2 बजे चंडीगढ़ का जन्म है। जी हाँ जी, पंडित जी ये है कि ये प्रेस का काम करते हैं, पत्रकारिता पर हर साल कार्ड बनाना पड़ता है। इस साल हमको मुश्किल आ रही है, ये हमारा कार्ड 1-2 दिन में बन पाएगा या ये लंबा पड़ जाएगा? जी चलिए, आपके भाई साहब जो प्रेस का काम करते हैं उनके उनको कुछ समस्या है। पहले कुंडली का एक छोटा सा विश्लेषण किए देता हूँ। सिंह लग्न और कुंभ राशि के जातक हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में इनके ऊपर इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में इनके ऊपर जो बिंशोत्तरी महादशा चल रही है वो शनि की महादशा चल रही है और शनि में भी राहु का प्रत्यंतर है। और 3 मई से 14 अक्टूबर तक एक बार पुनः शनि में राहु और उसमें भी शनि चलेगा। अब आपने कहा प्रेस के संबंध में काम में दिक्कत हो रही है। कार्य क्षेत्र के भाव का स्वामी ग्रह शुक्र चूंकि उच्च का होकर आ रहा है तो मुझे लगता है कि इनकी परेशानी थोड़ी सी बेहतर कम होना चाहिए। और मई का महीना किसी भी स्वरूप में बेहतर जाने वाला है और मई के महीने में बहुत सारे बेहतर कार्य इनके जीवन में होंगे, तो आप चिंता ना करें, ये वाला महीना इनके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। फिर भी एक उपाय ज़रूर कहूँगा, चूँकि शनि से जुड़ा हुआ उपाय करें, चूँकि शनि इनकी ही राशि में 29 अप्रैल को प्रवेश करेगा, उससे समय थोड़ा सा बेहतर होगा। फिर भी चूंकि इनको नीलम रत्न पहनाया नहीं जा सकता है तो इनको कोशिश आप करें कि ये भगवान शनिदेव की प्रत्येक शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाएं, शनि की पूजा अर्चना करें, लेकिन शाम के समय करें। सूर्योदय या जब तक सूर्यास्त नहीं हो जाता तब तक भगवान शनिदेव की पूजा अर्चना करना किसी भी रूप में संभव नहीं है।
बिल्कुल वही पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक पंडित जी महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं, शीतल। शीतल जी बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में, जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान बताएं पहले जी। मैं चिमूर से बोल रही हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट जी, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। मेरे बच्चे के बारे में पूछना था, उसका जन्म है जी 24 मार्च 2004, 9:02 पे जी, 24 मार्च 2004 सुबह 9:02। उसका करियर कैसा रहेगा वो पूछना था जी। चलिए, आप चंद्रपुर महाराष्ट्र से बोल रही हैं, तो आपने जिनके बारे में पूछा है उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृषभ लग्न और मेष राशि की कुंडली है और भरणी नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में इनके ऊपर जो महादशा चल रही है वो सूर्य की महादशा चल रही है, जो कि 2024 तक चलेगी, और इसमें भी शनि का प्रत्यंतर है जो कि 30 जून 2022 तक चलेगा। इसके बाद बुध का प्रत्यंतर आएगा जो 1 साल इनके ऊपर चलेगा, जो कि बहुत बेहतर समय रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि इनके ऊपर गोचर में राहु का प्रवेश हो चुका है और राहु 18 महीने तक चलेगा, तो 18 महीने तक राहु इनको मानसिक तनाव देता रहेगा। इनकी कुंडली में एक ही परेशानी है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होता है, अपने विचारों में परिवर्तन बहुत ज्यादा, उतार चढ़ाव बहुत है, और हर काम में दुरत और जल्दीबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति बैठा है वक्री होकर, तो माता को कष्ट भी बहुत देते हैं, माता इनको लेकर बहुत परेशान हमेशा बनी रहती है। मेरा मानना है कि समय इनका 30 जून के बाद थोड़ा सा बेहतर रहेगा, लेकिन फिर भी राहु से जुड़े हुए उपाय शीतल जी आप जरूर करिएगा। मुझे लगता है कि राहु का उपाय करने से इनकी कुंडली थोड़ी सी बेहतर अवश्य होगी। बिल्कुल वही पंडित जी से निजी परामर्श भी दर्शक कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी हम फिर से लौटेंगे विषय की ओर, आज हम वरुधनी एकादशी पर चर्चा कर रहे हैं और आप हमें इस एकादशी के महत्व पर जानकारी दे रहे थे। बिल्कुल, देखिए वरुधनी एकादशी की मैं जो बात कर रहा था कि इस दिन आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ देना है, खासतौर से एक मसूर की दाल जो लाल रंग की दाल होती है उसको छोड़ देना है, और वरुधनी एकादशी के दिन आपको रात्रि जागरण करना है, माने दूसरे दिन ही आपको विश्राम करना है। अच्छा, वरुधनी एकादशी का जो व्रत करेगा उसको आप ये मानकर चलिए कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु का जो धाम है जिसको हम वैकुंठ कहते हैं उसमें उसको प्रवेश भी प्राप्त होता है। अच्छा, जो लोग इस व्रत को करने में समर्थ ना हो वो कृपया कर इस व्रत को बिल्कुल भी ना करें। आज के दिन की एक और सबसे महत्वपूर्ण स्थिति है कि आज भगवान महाप्रभु वल्लभाचार्य की जयंती भी है। महाप्रभु वल्लभाचार्य वो हैं जिन्होंने इस पूरे भारतवर्ष में, खासतौर से उत्तर पूर्वी भारतवर्ष में भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के बारे में के विचारों को उन्होंने फैलाने का काम किया है। तो आज महाप्रभु श्रीपाद वल्लभाचार्य की जयंती को भी आप मनाइए। वरुधनी एकादशी के बारे में एक कथा बहुत सुंदर सी प्रचलित है जो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। देखिए बहुत पुरानी बात है, एक बार राजा मानधाता जो कि इस संसार पर राज किया करते थे और भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, एक बार जंगल में वो तपस्या कर रहे थे, बहुत घनघोर तपस्या कर रहे थे, तपस्या जारी थी। तपस्या में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि जब आप तपस्या करते हैं तो आपके आसपास जंगली जानवरों का डेरा हमेशा लगा होता है और आप उनसे कुछ कह नहीं सकते, ना तो आप उनको भगा सकते हैं। सर्प भी आते हैं, शेर भी आते हैं, भालू भी आते हैं, हाथी भी आते हैं, बहुत सारे हैं। जब आप जंगल में जाते हैं तो वो जंगल के जो प्राणी हैं वो आपके परिजन के स्वरूप में हो जाते हैं। ठीक ऐसी ही घटना राजा मानधाता के साथ घटी। राजा मानधाता तपस्या कर रहे थे तो एक जंगली भालू आया और जंगली भालू ने उनके पैर को खाना शुरू कर दिया। राजा तड़पने लगे क्योंकि यदि कोई भी आपके शरीर के अंग को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाता है तो निसंदेह आपको तड़प महसूस होती है। तो राजा मानधाता तड़पने लगे और उन्होंने तड़पते हुए भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का आवाहन किया, बहुत जोर जोर से आवाहन किया। भगवान से अपने भक्त का दर्द देखा नहीं गया। भगवान कुछ देर के बाद प्रकट हुए और उन्होंने उस जंगली भालू को उस स्थान से भगा दिया। राजा मानदाता का पैर खा चुका था वो और पैर सड़ने भी लगा था।
उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान मैं क्या करूं, मैं ना तो चल सकता हूं ना ही कोई कार्य कर सकता हूं क्योंकि मेरा एक पैर लगभग खराब हो गया। हे ईश्वर, हे दीनों के दीनानाथ, मैं किस प्रकार से आपकी पूजा अर्चना करूं, किस प्रकार से आपकी तपस्या करूं। भगवान ने कहा कि हे भक्त मानधाता, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको मेरे जो धाम है मथुरा वृंदावन वहाँ पर जाना है और मेरी पूजा अर्चना करनी है। चूँकि राजा मानधाता, और उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पर मेरी जो 12 स्वरूप के अवतार की जो मूर्ति है, आप केवल और केवल उसकी पूजा अर्चना करें, चूँकि उसमें जो भगवान 12 की जो मूर्ति है वो कुछ इस प्रकार से है कि भगवान ने अपने दांतों के ऊपर इस पूरे पृथ्वी या इस पूरे ब्रह्मांड को रख के रखा हुआ है। भगवान का 12 स्वरूप इस प्रकार सा था, जब पृथ्वी रसातल में जा रही थी और दैत्यों ने इस पृथ्वी को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया था, तब भगवान एक का जो स्वरूप था, उनका जो मस्तक था वो बिल्कुल सुअर के समान का था और अपने दोनों दांतों के ऊपर उन्होंने उस पृथ्वी को संभाला और उस पृथ्वी को यथाचित स्थान पर स्थापित किया। तो उन्होंने कहा कि आप 12 स्वरूप की पूजा अर्चना करें। तो राजा मानधाता वहाँ गए और जैसे तैसे, चूंकि आप सोचिए कि किसी का एक पैर ना हो, जंगल से आपको हजारों मील दूर उस स्थान तक जाना पड़े, ठीक है, भगवान भक्त की परीक्षा ले रहे थे, वो वहाँ तक गए और उन्होंने भगवान विष्णु के उस 12 स्वरूप की पूजा अर्चना की। तो जब 12 स्वरूप की पूजा अर्चना की तो राजा मानधाता एक बार पुनः वैसे ही स्वस्थ हो गए। उसके बाद चूंकि उन्होंने ये सारी पूजा अर्चना आज ही के दिन, यानी इस एकादशी के दिन की थी, जिसको हम बरूथनी एकादशी कहते हैं, इसलिए इस एकादशी का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। यदि आज के दिन आप कुछ नहीं, थोड़ा सा व्रत, थोड़ा सा संयम रख लें, आज के दिन निराहार रहकर आप भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, क्योंकि यह व्रत 24 घंटे का व्रत होता है, अर्थात आपको दिन में अभी सुबह प्रातः काल भगवान की पूजा अर्चना करें। कैसे करें? आपके घर में भगवान, हर एक घर में भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की मूर्ति अवश्य पाई जाती है, तो आज लड्डू गोपाल को आप स्नान कराएं, उनको बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र पहनाएं, इत्र लगाएं, सेंट जरूर लगाया जाता है, हम लोग जब भी सेंट लगाते हैं, आप स्वयं भी सेंट लगाएंगे तो आपका मन बहुत प्रसन्न होगा। तो जब आप इत्र या सुगंधित चीज भगवान विष्णु या कृष्ण को लगाएंगे, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वंदनां मृत्योर्मुक्षीयमामृता, तो आप लगाते हैं तो भगवान आपको हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो उनकी उनको इत्र का स्नान कराएं, दूध दही घी और पंचामृत से भी, जिसको पंचोपचार कहा जाता है, अर्थात सबसे पहले भगवान को गंगा जल, यदि यमुना जल मिल सके, चूंकि भगवान ने अपने सारी लीलाएं यमुना के किनारे की हुई हैं, तो यमुना जल मिल सके तो बहुत ही श्रेष्ठ है, यमुना जल से स्नान कराएं, दूध दही घी शहद और शक्कर से पंचोपचार स्नान कराएं, फिर उसके बाद एक बार पुनः सुगंधित स्नान कराएं जैसे मैंने आपको बताया, फिर सुंदर वस्त्र आप भगवान को पहनाएं, उनको सुंदर पुष्प जो कि सुगंधित पुष्प हो, जिसमें कमल का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, रजनीगंधा है, जो भी सुगंधित पुष्प है वो भगवान को चढ़ाइए। इसके बाद भगवान को सुंदर से लड्डुओं का भोग लगाइए, बेसन के लड्डू हों, बूंदी के लड्डू हों, जो आप ला सके, उनको मक्खन और मिश्री भी बहुत पसंद है, तो आप उनको माखन और मिश्री का भी भोग लगा दीजिए, लगाइए। फिर उसके उपरांत भगवान को भोग लगाने के बाद उनकी आरती कीजिए, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, अर्थात वो ईश्वर जो अपने भक्तों के संकट और उनकी परेशानियों को एक क्षण में दूर कर देता है, ऐसे जगदीश, ऐसे भगवान श्री कृष्ण की आज हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो उनके निमित्त आज पूजा अर्चना करें, शाम को एक बार पुनः जागरण करें, उनके मंत्रों को आप दोहराए, उनके जो भगवान के जो गीत है उनको आप गाइए, रात भर गाइए, दूसरे दिन सुबह प्रातः काल भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना एक बार पुनः कीजिए। यदि इस प्रकार से आप इस व्रत को करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको उस गोलोक धाम, उस वैकुंठ धाम में अवश्य प्रवेश मिलेगा
और 10,000 वर्षों की तपस्या का फल प्राप्त होगा और आप अपने जीवन के सारे कष्ट से मुक्ति पाएंगे और सौभाग्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, हम बात कर लेंगे दैनिक राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, और मैं मेष राशि से शुरुआत कर लेता हूं। मेष राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद शानदार है, मन बेहद प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है, तो आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का समय बहुत ही शानदार है, बुध और शुक्र दोनों ग्रह लगातार आपकी मदद करने आगे आ रहे हैं, कामकाज की स्थिति बहुत ही बढ़िया रहेगी, कुल मिलाकर दिन भी है शानदार बना हुआ है, तो आप इसका भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए और प्रेम संबंध तो निसंदेह आज बहुत ही बेहतर अवश्य बने रहेंगे। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों का जो राशि स्वामी है बुध, वो आपकी राशि से समय 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो कि ठीक नहीं है। जरूरी कार्यों को टाल दीजिए, मन थोड़ा सा प्रसन्न बना रहेगा और अपनी खासतौर से अपनी सेहत का पूरा ध्यान अवश्य रखें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखिए, आपका राशि स्वामी चंद्रमा अष्टम भाव में है, जिसके चलते आपकी सेहत को लेकर थोड़ी सी परेशानी अवश्य बनी रहेगी, मन थोड़ा सा अप्रसन्न रहेगा, लोग आपका अपमान करेंगे और सहायता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर समय आपका ठीक नहीं है, थोड़ा ध्यान रखें। अगली राशि यानी सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार बना हुआ है, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज बढ़िया रहेगा, आज जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेरा आपको सलाह है कि अपने जितने भी आवश्यक कार्य हैं उनको जल्द से जल्द अवश्य संपन्न कर लें। अगली राशि की चर्चा करते हैं, वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का समय बेहद शानदार है, लोग न केवल आपके काम की प्रशंसा करेंगे अपितु आपके व्यक्तित्व की भी प्रशंसा अवश्य करेंगे, स्वास्थ्य बहुत ही बढ़िया रहेगा, यात्रा यदि आप करना चाहते हैं तो यात्रा की आपकी सफल और लाभकारी अवश्य साबित होगी। अगली राशि यानी तुला की बात करते हैं। तुला राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है, कामकाज की स्थिति कल की तुलना में थोड़ी सी बेहतर होगी, मन थोड़ा प्रसन्न रहेगा, यदि आपके पिता से जुड़ा हुआ कोई काम है तो पिता से जुड़ा हुआ काम आसानी से होगा, प्रेम संबंधों के लिए दिन भी आज बेहद खास बना हुआ है। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, तो अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, कृपया कर लोगों से बहस बिल्कुल भी ना करें, अपने कार्यों में सावधानी बरतें और वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, कोशिश करें आज यदि आप अपने प्रेम संबंधों प्रेम सहयोगी से मिलने जा रहे हैं तो आज ना ही मिलें तो बेहतर रहेगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों का समय आज बेहद शानदार है, कार्य क्षेत्र न केवल आपके अनुकूल बना रहेगा अपितु जो भी लोगों से आप मिलने जा रहे हैं आपकी मेल मुलाकात बेहद लाभकारी साबित होगी, प्रेम संबंध निसंदेह बहुत ही बढ़िया रहेंगे, कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अगली राशि यानी मकर राशि की हम चर्चा करते हैं। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर है, देखिए आपके जो नजदीकी व्यक्ति हैं वही आपसे एक तो नाराज होंगे, आपसे दूर भी भागेंगे, आप यदि कोई काम के लिए कहेंगे तो वो शायद आपके काम को ना करें, प्रेम सहयोगी से भेंट कर रहे हैं तो आज ना करें क्योंकि आज का दिन ठीक नहीं है। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बहुत शानदार है, देखिए आपकी राशि में चंद्रमा का गोचर 2-3 दिन से चले आ रहे तनाव में ना केवल कमी लाएगा, मन को बेहद प्रसन्न भी बनाकर रखेगा, व्यर्थ के खर्च कम होंगे, प्रेम संबंधों के लिए दिन आज बेहद खास बना हुआ है, कुल मिलाकर आज का दिन बहुत बढ़िया है। अगली राशि यानी अंतिम राशि की हम बात करते हैं, वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जातकों का दिन आज ठीक नहीं है, देखिए चंद्रमा का गोचर 12वें भाव में, जिसके चलते यदि आज आप किसी से बात करेंगे तो भी लगेगा कि आप बहस कर रहे हैं, खर्च में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है, कार्य क्षेत्र संबंधी कोई जरूरी निर्णय है तो कृपया कर उसको लेने से बचने की कोशिश करें। तो ये था आज 12 राशियों का राशिफल। जी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस विषय पर विस्तार से जानकारी दी, दर्शकों की जिज्ञासा शांत की, साथ ही दैनिक राशिफल के बारे में भी आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और इसी के साथ सितारों की चाल में फिलहाल इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।